हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स अर्न विद निशु। और मैं हूँ निशु। सो गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। तो आज के वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे तो प्लीज़ लाइक्स दे देना। आप लोग पता नहीं क्यों लाइक्स देने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, एंड हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, यह एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो अभी सवेरे सवेरे का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज हम लोग को एक्चुअली वैक्सीनेशन के लिए भी, मतलब मुझे और एक आंटी जी है उनको, मतलब हम दोनों को वैक्सीनेशन के लिए भी जाना है, तो इसलिए अपना जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मूंग का दाल आज बनेगा, तो उसको मैं कढ़ाई में ही चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे दाल को चढ़ा दिया। उसके बाद मतलब सब्जी वब्जी मैं कट कर लूँगी। तो आज ना मेरा सेकेंड डोज लगने वाला है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि ऐसा भी रूल्स वगैरह भी आ गया हुआ है ना कि आप लोग को जब तक मतलब दोनों डोज नहीं लगेंगे आप लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हर जगह जाने के लिए एलिजिबल हो जाऊँगी। तो यहाँ पर देखो मैंने भुजिया वुजिया भी कट कर लिया है, पटल और आलू का। और यहाँ पर देखिए दाल अब बस होने वाला है, तो दाल हो जाएगा तो मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने चाय भी चढ़ा दिया हुआ है। और जब मतलब अब चाय चढ़ा क्या दिया यार, चाय तो बन ही गया, तो मैं इसको अपने लिए और अपने हाउस हेल्पर और मम्मी जी के लिए सर्व कर देती हूँ। फिर पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद आगे का काम होगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि सुबह सुबह चाय पीने के बाद ना मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो मैंने सर्व कर दिया और देखिए दाल भी हो चुका है, तो मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। एंड इसके बाद चाय वाय पीऊँगी। और रियो के पापा भी दोनों सोए हुए हैं, मतलब रियो 9 बजे के बाद ही उठती है जनरली, तो उसके पापा उसको लेके अभी सोए हुए हैं। तो रियो के पापा जब आएंगे तो उनके लिए भी चाय, उनको भी चाय दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने चाय वाय पी लिया है और अभी आ गई हूँ आटा गूँथने, क्योंकि सुबह सुबह तो रोटी बनता है। तो यहाँ पर आटा वाटा गूँथ के मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा रोटी बन चुका है, तब तक रियो भी उठ चुकी है और देखिए अपने पापा के साथ कैसे उड़ते उड़ते आ रही है। पापा की परी उड़ते हुए आ रही है। चाय पीने लाते हैं। आपका चाय, आपका चाय, आपको दूध पीना है? और चाय वाय दे दिया। और यहाँ पे मैं टिफिन पैक कर रही हूँ अपने देवर जी के लिए, क्योंकि आज उनका ऑफिस खुला हुआ है। और देखिए आप, मैं टिफिन उपिन पैक कर दूँगी, उसके बाद अभी का काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं रेडी हो जाऊँगी वैक्सीनेशन के लिए। तो नाश्ता वास्ता बन गया है, अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि हम लोग को 11 बजे से निकलना है और 10 बजने वाले हैं अभी। सो गाइस, मैं रेडी हूँ अपने सेकेंड डोज लेने के लिए। थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि मुझे इंजेक्शन से ना पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, बट क्या करें, कोरोना से बचने के लिए तो लेना पड़ेगा ना। तो अब चलिए चलते हैं। रियो नहीं जाएगी।
सो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं लायंस केयर सेंटर, क्योंकि यहीं पे हम लोग को वैक्सीन मिलने वाला है। और मास्क वास्क लगा रहे हैं, गाड़ी में नहीं लगाए थे। एंड देखिए कितनी लंबी कतारें लगी हुई है, तो हम लोग को भी थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ेगा। मतलब बुकिंग पहले ही हो चुका था, 11 से 1 के बीच में हम लोग को आना था, तो इसलिए लाइन में लगेंगे। बट थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि बुकिंग पहले से ही हो चुका था। तो अभी हम लोग आ गए हैं अंदर। एंड अंदर में पहले से कुछ लोग मतलब वेट कर रहे थे, और कुछ लोगों ने वैक्सीन भी ले लिया था। तो यहाँ पे मैं रियो को ले रही हूँ, और अभी वहाँ पे जाऊँगी जहाँ पे हम लोग को पेमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्राइवेट से ले रहे हैं। और जो मतलब फ्री का जो वैक्सीन था ना, तो मिल ही नहीं रहा था यहाँ पे हम, तो इसलिए मतलब पैसे दे के प्राइवेट से लेना पड़ा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद पेमेंट वेमेंट देना होगा, फिर जाएँगे वैक्सीनेशन रूम में वैक्सीन के लिए। कौन है? कौन है? सो यहीं पे पेमेंट करना है, तो मैं रियो को लेके बैठ गई हूँ, और मेरे हस्बैंड लाइन में लगे हुए हैं पेमेंट करने के लिए। और रियो को देखिए, यहाँ पे आंटी जी का पैसा ले ली है, उनको रिटर्न ही नहीं कर रही थी। पैसा पूरा पहचानती है। सो यहाँ पे देखिए मैं कितना ज़्यादा डर रही हूँ, बट फाइनली मैंने वैक्सीन ले लिया, इंजेक्शन ले लिया। मतलब इंजेक्शन लेने में पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ था, एकदम हल्का सा हुआ था। बट पहले से पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एंड यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे सीधा घर। मतलब दोपहर का टाइम हुआ है, और हम लोग 11 बजे के आसपास में आ गए हुए थे, तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था। बस वही पेमेंट देने में थोड़ा सा जो वेट हुआ था वही, नहीं तो ऐसे मतलब पहले से बुकिंग था, तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था। और रियो को देखिए अपने पापा के पास कितना मस्ती कर रही है। तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। एंड मम्मी जी ने दोपहर का खाना बना के रखा था, तो मैं अपने हस्बैंड को पहले परोस देती हूँ, फिर खुद खा के रूम में जाके थोड़ा सा रेस्ट। सो गाइस, जैसा कि घर हम लोग आ चुके हैं, घर आके खाना खा के इतना ज़्यादा थकान हो गया हुआ था ना, और पता नहीं क्यों मतलब सर भी थोड़ा सा घूम रहा था, चक्कर टाइप का आ रहा था। मैं खाना खा के सीधा सो गए, बट अभी 5 बज रहे और अभी मतलब ठीक लग रहा है। बहुत फर्स्ट डोज जब पड़ा हुआ था तब थोड़ा सा ज़्यादा सर दुख रहा था, बट अभी जब उसी टाइम थोड़ा सा दुख रहा है, अभी ठीक है। और अभी बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, तो हो सके मतलब बारिश के कारण बहुत अंधेरा हो रखा है। 5 बज रहा है फिर बहुत अंधेरा हो रखा है, तो हो सके तो मैं आज ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगी, कल करूँगी। तो चलिए पहले आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। तो अभी का मौसम देखिए, 5 बज रहा है और कैसे पूरा अंधेरा हो रखा हुआ है, और बारिश की तो पूछो ही मत। आई डोंट नो कैमरा कैप्चर कर पा रहे कि नहीं, बट बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। सो बारिश के कारण आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो यह था मेरे आज का वीडियो, होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी कहीं भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।